सब्सक्राइब कीजिए माइंड मेकर गुरुजी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि मिल सके आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। यह बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी। हम बात करेंगे सेचेस सेंटेंस टेस्ट 2013 के ओल्ड ईयर पेपर के 11th क्लास के बारे में। मैथमेटिक्स जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए पेपर है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको इससे पहले बताना चाहूँगा कि इसकी जो टाइमिंग रहती है 2 आवर्स की रहती है और मैक्सिमम मार्क्स जो रहते हैं आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और 100 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहले हम मैथ्स इसमें दिया हुआ है, तो मैथ को हम लोग देख लेते हैं। जी पियानो हु इज एसोसिएटेड विद द एक्जिमोस फॉर नेचुरल नंबर वाज द मैथमेटिशियन ऑफ। जी पियानो जो कि प्राकृतिक संख्याओं के अभिगृहितों से संबंध है, निम्न में से कहाँ के गणितज्ञ थे? तो आपके इटली के वो गणितज्ञ थे, तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिविजिबल फॉर 540, 540 की भाजों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आपके अगर मैंने निकाल दिया है, इसको कॉपी भी कर दिया है, तो आपके 540 की जो आपके ये डिविजिबल होंगे इस नंबर से डिवाइड किए जा सकते हैं आपके 540। तो टोटल आपके ये इतने नंबर हैं, तो टोटल आपके आते हैं 24 अगर काउंट किया जाए इसको। तो ये आपके 24 हैं टोटल। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल है, द नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन 50। प्राइम नंबर बताइए 50 से कम आपकी, 50 से लेस देन होने चाहिए अभाज्य संख्या जो किसी से डिविजिबल ना हो, केवल अपने आप से डिवाइड हो या 1 का वो आपका डिविजिबल हो। तो ये आपका प्राइम नंबर लेस देन 50, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो आपके टोटल ये हो गए हैं और 1 जो है ना इधर प्राइम नंबर है और नॉर आपका कंपोजिट है। तो टोटल आपके 15 आते हैं आपके 1 से लेके 50 में और 1 से लेके आपके 100 में 25 आते हैं टोटल। नेक्स्ट आपका फोर क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 > r इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, आपको पता ही चल रहा है कि एक डिवीजन का अल्गोरिदम है, तो आपका ये दूसरा ऑप्शन था इसका सही है, अविभाजन अल्गोरिदम। एक अल्गोरिदम के थ्रू इसको सॉल्व किया जाता है, तो इसमें शो कर रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, तो एक अल्गोरिदम फॉर्म करते हैं जिसमें दो या दो से अधिक ज़्यादा आपके उसमें वो क्वेश्चन को मिक्स किया जाए, एक वे से सॉल्व किया जाता है, तो उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका 5 है, द पॉलिनोमियल विद 0 - 1/2, 1/2 इज। तो आपका ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जो इसको सपोर्ट करता है कह सकते हैं। तो ये वैल्यू को आप इस चारों इक्वेशन में पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, जिसमें आपके ये तीनों वैल्यू का मान जो आता है 0 आ जाए, मतलब पुट करने पे 0 आ जाए, तो वही आपका सपोर्ट करेगा। तो थर्ड जो है आपका 4x³ - x, ये तीनों वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका 0 ही आएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन से इसका सही है। ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस फॉर द पॉलिनोमियल्स ax³ + bx² + cx + d, देन α² + β² + γ² विल भी कितना होगा? तो आपका ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही होगा, b² - 2ac / a², यही आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है आपका 7, द सिस्टम्स ऑफ द इक्वेशंस 2x + 3y = 7, 2ax + a + b ब्रैकेट में दिया है y = 28, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देन आपकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसमें रिलेशन क्या होगा, इसमें ये चार रिलेशन दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि 2 इक्वेशन दे दिए गए हैं, तो 2 इक्वेशन देखिए ये है आपके, और बोला जा रहा है कि इसके जो है 2 लाइन जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहते हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका अपॉन इसका कर देना है। तो 2 कोफिशेंट्स एक्स की जो है यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दिया, यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट 2a है, तो अपॉन 2a = इसी तरह इसको लिखा, इसी तरह इसको लिखा, और इन इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो a = 4 आ गया। फिर a के वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ से आपकी b के वैल्यू 8 आ गया, जो आपका इसमें रिलेशन था a = 2b, जो a है 4 आ रहा है, b आ रहा है 8, तो a = 2b हो जाएगा, a जो है आपका 2b के बराबर है,
सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया है। यहाँ पे आपका बी रहेगा, बी जो है टू ए के बराबर रहेगा, क्योंकि उसकी बी जो है 8 है और 2 ए के बराबर रहेगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सही है सेकेंड है, ना कि फर्स्ट है, गलत हो गया था। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ सी, सी किसके बराबर होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जब इक्वल रूट रहता है तो ये फार्मूला होता है आपका, ये इक्वेशन दिया हुआ है इक्वल रूट से, तो डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डी क्या होता है? डी का जो वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर इक्वल टू उधर चला जाएगा, फोर ए सी प्लस हो जाएगा फोर ए सी, यहाँ से सी की वैल्यू बी अपॉन फोर ए आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये फोर्थ वाला इसका सही था। ये हो गया आपकी इट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 इक्वल प्लस डॉट 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 99 + 100 इज, ये क्या होगा? तो फार्मूला आपका होता है ऐसे आपके क्वेश्चन निकालने के लिए, तो ये 1 + ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका फार्मूला होता है एन ब्रैकेट में n+1/2। एन कितना है टोटल? 100 है, 100 एन प्लस वन 101/2। 100 से मतलब 2 से 100 कट गया, 50 टाइम्स में 50 × 101 ये आपका आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा, या ऐसे डायरेक्ट आंसर दिया तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 10, इसमें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा आपका ट्रू नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है ये ट्रू नहीं है। ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 इक्वल टू 2 यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे दिया है 4, ब्रैकेट में बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 2 रहा था तो ये सही है, यहाँ पे 4 दिया तो ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका 11 आता है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट जान लीजिए कुछ भी नहीं होता है, इसमें ये बताया जाता है कि पहले और दूसरे का स्क्वायर करने पे, और स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए आप, और उसका स्क्वायर रूट निकालिए, और तीसरा अगर आता है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इनको प्लस कर देंगे 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आपका 5 आता है। इसी तरह इसका भी सेम आ जाता है, और फोर्थ वाला ऑप्शन भी सही है, बट आपका सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा निकालने पे। इसका स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 1 to 1 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 146 आएगा, जो कि आपका 12 का जो स्क्वायर होता है आपका 144 होता है, तो ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें, लेट ए बी अ ट्रायंगल विद साइड ए इक्वल टू 13 दिया है, और आपका बी इक्वल टू 14 दिया है, और सी इक्वल टू 15 दिया है। तो द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, रेडियस पूछा जा रहा है, माना ए बी सी त्रिभुज है जिसकी भुजा दी हुई है, और इसका अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व कॉपी पे कर चुके हैं, होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू होता है हाइट इंटू 1/बेस। ये आपका सर्कल हो गया, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, आपका हाइट मैंने 13 ले लिया इंटू 1/2 था, 1/2 ले लिया, बेस आपका इसका नीचे वाला बेस बोला जाता तो ये 14 है, इसको सॉल्व किया 91 आ गया। हम लोग जानते हैं पैरीमीटर जो होता है इसका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होता है, तो यहाँ से इसकी पैरीमीटर जो आ गई 21 आ गई। रेडियस इक्वल टू होता है एरिया अपॉन पैरीमीटर, तो 91 इसका पैरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, और 21 इसका पैरीमीटर हो गया। इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 4.33 आएगा, जो कि इसमें आपका लगभग आपका 4 जो ऑप्शन इसमें हैं करेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये आपका 12 तक हो गया। हाउ मैनी पोस्टुलेट्स वेयर गिवेन इन यूक्लिड्स, आपके यूक्लिड में कितने पोस्टुलेट दिए जाते हैं? तो आपके 5 दिए जाते हैं, इसको लर्न कर लीजिए आप। यूक्लिड में कितने पोस्टुलेट्स दिए जाते हैं? तो आपके 5 रहते हैं। 14 है आपका, 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी एंड ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट है टू द सर्कल, तो देन ट्रायंगल ए बी ए सी बी इक्वल टू, ए सी बी की वैल्यू कितनी होगी? दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु सी पर स्पर्श करते हैं तथा वृत्तों पर ए बी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो एंगल ए सी बी का मान कितना होगा? इसमें आपका 90 आ रहा है, अब कैसे आ रहा है ये देख लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल हो गया, दो आपके सर्कल हो गए, इसमें एक ट्रायंगल हो गया जो कॉमन टेंजेंट, मैंने ये खींच दिया कॉमन टेंजेंट है, और ए सी बी यही पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे ट्रायंगल ए सी बी पूछ रहा है आपका, तो ए सी बी प्लस सी ए बी प्लस बी ए सी, हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का जो सम होता है, एंगल का सम होता है उसका 180 होता है,
तो यहाँ पे 180 लिख दिया और जो जो वैल्यू दी गई एंगल के अकॉर्डिंग मैंने उसको पुट कर दिया। यहाँ से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 180, तो यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। अल्फा प्लस बीटा ही आपका एंगल ए सी बी है, तो ये आपका 90 आ गया। ये हो गया आपके 8 वाले क्वेश्चन, सॉरी इसमें 14 है, मैंने कॉपी पे 8 किया है। नेक्स्ट है आपका 15। इफ द पॉइंट ब्रैकेट में है आपका के टू के, थ्री के थ्री के एंड थ्री वन के बराबर नहीं है जीरो के, आर को लीनियर है, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो आपको इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म करना होगा। मैट्रिक्स जैसे लिया जाता है तो इसको ले लीजिए, वैल्यू के टू के दी थी, थ्री के दी थी, थ्री और वन दी थी, इधर कुछ भी नहीं दिया था तो इधर वन वन हम लोग मान लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको यहाँ पर रखिए और इस वाले रो इस वाले इसको छोड़ दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस इसका इसमें होगा। इसी तरह बीच वाला जो आता है उसमें माइनस लगता है, माइनस टू के इसको और इसको छोड़ दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। लास्ट वाला इसी तरह है, इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ये रो को छोड़ देंगे, थ्री के और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री आ रहा है, जो कि आपका इसमें ऑप्शन देख लेते कौन सा सही है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका, इफ एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो आपकी वैल्यू इसमें से कौन सी सही है, रिलेशन सही है कौन सा है। तो मैंने सॉल्व किया है इसको भी कॉपी पे, एक्स इक्वल टू इतना दिया है, वाई इक्वल टू इतना दिया है, जेड इक्वल टू इतना दिया है, इसको हम लोग आपका ये वाला मैंने चौथा वाला इसको ले लिया, इस पर आपकी वैल्यू को पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको वैल्यू पुट कर दिया। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन, तो यहाँ से इसको वैल्यू पुट किया मैंने, फिर इसको इसको कॉस स्क्वायर थीटा था प्लस सॉरी फाइव था प्लस साइन स्क्वायर फाइव था, तो इसकी वैल्यू वन होती है, तो आपका ये वैल्यू और ये वैल्यू बची। यहाँ से आपका आर कॉमन हो गया, इसमें भी आर है और आपका इसमें भी आर है, तो ये दोनों कॉमन हो गया, यहाँ से आर को कॉमन कर लिया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू होती है वन, तो आपका आर स्क्वायर ही केवल बचेगा, तो आपका ये जो है रिलेशन सेटिस्फाई कर गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसमें आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें ये करेक्ट था। ये हो गया आपके 16 तक। 17, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछ रहा है और लाइन का वो इक्वेशन एक प्रकार का दिया हुआ है, तो ये आपका इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहाँ से हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2, क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस लोग का जो फार्मूला था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ से हम लोग कंपेयर कर देंगे तो आपका कोऑर्डिनेट 0 2 आ जाएगा और कोऑर्डिनेट 3 2 3 0 आ जाएगा, और यहाँ से अगर y की वैल्यू 0 होती है तो आपकी यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाती है निकल के, यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ से तो x की वैल्यू 3 आ जाती है, तो ये 3 आ गया x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर 0 पुट किया। अब एरिया हम लोग जानते हैं एरिया इक्वल टू फार्मूला था 2 x / y, तो 2 लिख दिया, x की वैल्यू 3 आ गया और y की वैल्यू पहले से 2 है तो 3/2, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो आपका 3 स्क्वायर यूनिट इसका आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका इसमें है 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द लाइन 5ax प्लस 3by प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस by माइनस 5 इक्वल टू 0 इंटरसेक्टेड 1 or 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दिया हुआ है, तो आपको करना कुछ नहीं, 2 इक्वेशन दे दिया है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये दे दिया है, तो बारी बारी से आप दोनों इक्वेशन में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 यहाँ से पुट कर देंगे, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा। 2 इक्वेशन को आप सिंपली से सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से 2 इक्वेशन बन गया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया सिंपली, तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू पहले आ गई 2, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपकी सिंपली सॉल्व हो जाएगी, आपका b की वैल्यू ये आ जाएगी और a की वैल्यू माइनस 3 आ जा रही है, यहाँ से इस इक्वेशन से सॉल्व करने पे आपका यहाँ पे b होगा, एक b छूट गया यहाँ पे, ये आपका थर्ड जो है माइनस 3 आ गया इसका आंसर है, क्योंकि पूछ रहा है a की वैल्यू, b की वैल्यू पूछ रहा है तो b की वैल्यू भी आपकी 2 आ रही है। नेक्स्ट आपका इसमें है 19, इफ़ वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 6 सेंटीमीटर देन अदर साइड इज, अदर साइड इसका पूछ रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है और उसकी एक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा पूछ रहा है,
तो ये देखिए आपका एक ये हो गया सर्कल, इसमें आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसका यहाँ से यहाँ तक आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर आपका रेडियस दिया हुआ है। तो हम लोग आपका इसको पाइथागोरस से सॉल्व कर देंगे, आपका स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर इजकल टू स्क्वायर स्क्वायर, हिंदी में बोला जाता है लंब स्क्वायर इसको, सॉरी इसको लंब स्क्वायर प्लस इसको आधार का स्क्वायर इजकल टू कर्ण का स्क्वायर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर आपका ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो इस फॉर्मूले से मतलब ऐसे सॉल्व कर देंगे पाइथागोरस हम लोग, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इजक्ल टू 16, एक्स इजक्ल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। तो आपका 4 आया क्या, ये आया 4, ठीक है, एक्स की वैल्यू आया, तो ये पूरा पूछ रहा है तो डबल हो जाएगा, मतलब आपका 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका लास्ट वाला ऑप्शन 8 सेंटीमीटर सही है। नेक्स्ट आपका है 20, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू, हम लोग जानते हैं 30 और 60 के मान तो जानते हैं, बस 40 और 50 का तो हम लोग जानते ही नहीं मान। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी आपको ये इक्वेशन लिख लेना है, हमको इसको एक साथ ले लेना है, इसको और इसको एक साथ ले लेना है, ऐड कर देना है। मैंने इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, 30 प्लस 60 90 डिग्री हो जाएगा, 40 प्लस 50 ये भी 90 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और ये भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर इसका जो होगा 20 वाला का सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। देयर आर 5 वे टू रीच फॉर अयोध्या टू प्रयाग, अयोध्या से प्रयाग जाने के लिए आपके 5 रास्ते हैं, 7 वे टू रीच फॉर प्रयाग टू काशी, 7 आपके रास्ते हैं आपके प्रयाग से काशी पहुंचने के। तो द नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम द अयोध्या टू काशी वाया प्रयाग, आपके अयोध्या से काशी जाने के कुल मार्ग कितने होंगे वाया प्रयाग से, तो आपके ये 5 वे इसके हो गए और 7 वे इसके, 5 प्लस 7 इसके टोटल वे हो जाएंगे आपके अयोध्या से काशी जाने के वाया प्रयाग। नेक्स्ट आपके हो गए 22, लेट मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन बी एक्स बार इफ द फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाय 1 सेकेंड्स बाय 2 एंड सो ऑन द न्यू मीन्स, तो आपका एक्स बार प्लस एन प्लस 1/2 इसका न्यू मीन हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, सिंपली है, कुछ भी नहीं, इसमें आप इसको याद भी कर सकते हैं, एक्स बार प्लस एन प्लस 1/2 इसका है। नेक्स्ट आप क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट 2 हेड इज, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, केवल 2 बार हेड आने की प्रायिकता होगी, तो आपकी जो प्रायिकता होगी इसमें 4/8 होगी, जो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपके 2 बार हेड आने की, आपके 3 बार टॉस की जाती है और 2 बार हेड आने की, तो 4/8 होगी, इसको कट कर देंगे तो 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। नेक्स्ट आपके 24 आते हैं, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, उस वर्ग का क्षेत्रफल जिसके परिवृत्त की त्रिज्या आर है तो होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए, मैंने कॉपी पे भी सॉल्व कर दिया है इसको, आपके जो है ये आपका सर्कल हो गया, ये इसमें स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं डायगोनल इजकल टू होता है साइड रूट में 2, तो आपका जो आपका ये दिया हुआ है डायगोनल 2r है इजकल टू साइड रूट में 2, यहाँ से साइड की जो वैल्यू आ गई 2 अपॉन रूट में 2 आ गए, 2r/√2 आ गए। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड स्क्वायर, तो साइड के स्क्वायर कर देंगे तो 4r/√2 आ जाएगा, इसको कट कर देंगे तो 2r² इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, 2r². इस टाइप के क्वेश्चन को लर्न भी कर सकते हैं आप, सिंपली सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपका 2r² आएगा अगर सेम क्वेश्चन आएगा, तो थोड़े से भी चेंजेस होंगे तो आंसर भी आपके चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है मैथ का क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्फीयर इंक्लोज्ड इन अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच, एच जो है ग्रेटर देन है 2r के, आर त्रिज्या और ऊंचाई एच जो है एच ग्रेटर देन 2r वाले बेलन में समाहित गोले की अधिकतम आयतन होगा, तो आपका 4/3 πr³ होता है। तो जो आंसर रियल में आ रहा है आपका 4/3 πr³/3/√3 आ रहा है, यही आपका रियल आंसर है। 26 आपका साइंस से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे, आपको 26 से लेके टोटल 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। आज मैंने पार्ट 1 में 25 तक की मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है
तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे आपको पे नहीं करने होते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपके नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।